व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हमने लिए हैं अमरूद। अमरूद हमने थोड़े पक्के पक्के लिए हैं, लेकिन इतने भी पक्के नहीं कि हम यूँ हाथ दबाएं अंदर जैसे पिलपिले से हो, नहीं ऐसे भी नहीं चाहिए हमें। हमें थोड़े चाहिए जैसे थोड़े से सख्त हों और पीले पीले हों, मतलब कलर इसका येलो हो। तो ये इसका आज हम बनाएंगे हलवा। तो हम हलवा कैसे बनाते हैं इसका हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है देगची। कुछ किसी पुरानी देगची में आप जो है पानी बॉईल करने रख दें पहले से, और उसके अंदर जो है ये ले लें जाल। अगर आपके पास ये जाल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि कोई ऐसे ऊँचा बर्तन ले लें जिसके अंदर जो है आप अमरूद को रख सकें। तो यहाँ पर देखें, हमने अमरूद को रखना है एक एक करके। तो एक एक करके हम अमरूद को इस तरह इसमें रखते जाएंगे, क्योंकि हमें इसको भाप में जो अच्छी तरह इसको गलाना है, ताकि ये अच्छी तरह नहीं बस इतना हम इसको जो 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। 15 से 20 मिनट जब पक जाएंगे, पकने के बाद फिर हम इसको एक साइड चेंज कर लेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसे पानी से बिल्कुल भी टच ना हो, बस इसको भाप में हमें जो इसको 10 मिनट एक साइड से पकाने और 10 मिनट हमें दूसरे साइड से, 10 मिनट बाद भी हम इसको पलटेंगे। चल बंद करते हैं अभी, सब हम चेक करते हैं। तो जी भी बस यहाँ पे हमने जो है 10 मिनट हमने इसको पहले खोला था और हमने इसको पलट दिया था। तो अब हम जो है इसको निकालते हैं अच्छी तरह ये जो है भाप में। लेकिन ज़्यादा मिनट नहीं लिए, 15 मिनट में ही ये अच्छे खासे नरम हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो जी बस आप ये देख सकते हैं, देखें कैसे ये फटे फटे से हो गए हैं ये जगह जगह से। इसको जो है ना 15 मिनट में अच्छे खासे ये भाप में गल चुके हैं। तो ये देखें गर्म हो रहे हैं अभी ये, तो थोड़े ठंडे होने का हम इंतज़ार करते हैं, फिर हम इन्हें कटिंग करेंगे। चलें भी बस इसको अब हम कर लेते हैं कटिंग, ताकि ये तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये हो गया है 15 मिनट में ही। तो ये देखें, ये हमने कर लिया कटिंग, ताकि हमें चेक भी करना है कि इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं है, क्योंकि पक्के अमरूद में अक्सर कीड़े होते हैं, तो कीड़े तो नहीं हैं। बस ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो है अमरूद यहाँ पे कट कर लिए हैं, और अभी भी हल्के हल्के जो हैं ये गर्म हैं, तो इन्हें हम जो है थोड़ा काट के थोड़ा ठंडा करेंगे। तो ये इस तरह देखें, ये काट लिए हमने, ये अच्छे खासे जो है नरम हो चुके हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सारे अमरूदों को हमने कटिंग कर लिया है, और कटिंग करके अब इन्हें हम जो थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने का फिर हमें इन्हें ग्लेंडर कर लेंगे। तो ग्लेंडर करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमने जो है ये हमने ग्लेंडर कर लिया है सारा, ये इसका मिक्सचर जो अमरूद हमने भाप में पकाए थे हल्के से 10 मिनट तक। तो अब ये जो है इसको हम छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम जो है इसको सारा मिक्सचर इसका जग में से हम निकाल लेंगे अच्छी तरह, ताकि कुछ अंदर रह ना जाए बाकी। तो जी भी बस अब हम इसको जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता से करके इस तरह चला चला के हम जो है इसको सारा जो है छान लेंगे अच्छी तरह, ताकि हमें इसका जो है मलाई वाला जो लिक्विड है वो आराम से मिल जाए, और इसके जो बीज हैं वो सब ऊपर रह जाए, क्योंकि बीज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी लिक्विड की ज़रूरत है। तो ये देखें गलत, तो इसी तरह हमने ये सारा जो इसका मेथड है सब छान देना है, इसका जो है लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा, देखें निकल रहा है, और बस हमें इसका ये लिक्विड चाहिए ताकि इसका हम हलवा तैयार कर सकें। तो आप देख सकते हैं, देखें इसका जो बीज है वो रह गया है, दाना दाना सब ऊपर आ गया है, और इसका सारा जो लिक्विड है वो निकल चुका है। तो ये भी हम निकालेंगे, इसमें से अभी और निकलेगा, तो इसमें से मज़ीद अभी आप अभी हम और निकालते हैं। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये सब बीज ही बीज ऊपर रह गए हैं, और सारा जो इसका मेथड था हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको जो है हम फेंक देंगे, जो बीज है ये हमारे किसी काम के नहीं है। बस ये आप देख सकते हैं, इनको हम जो है 1-2 कटोरियों में लोटेंगे, तो हम इसको देखेंगे कि कितनी कटोरी ये निकलता है इसका अमरूद का जो लिक्विड है जो हमने निकाला है। तो जी जनाब, ये हो गया 1 कटोरी, और ये डालना शुरू करते हैं हम 2 कटोरी। इसी के हिसाब से भी हम चीनी भी लेंगे, और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें जो शामिल होंगे वो दिखाएंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं, ये हमने ले लिए यहाँ पे 2 कटोरी जो है अमरूद का जो है लिक्विड निकला है 2 कटोरी। तो इसको हमने अच्छी तरह छान लिया, बीज के अलग कर लिए बिल्कुल, और यहाँ पे 1 कटोरी हमने चीनी ली है। इसमें हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी लेंगे, अगर हमें लगा मीठा ज़्यादा है तो हम इसमें इसे कम भी कर सकते हैं, अगर आप मीठा ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो इसको पूरी ले सकते हैं। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं।
चलें जी यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है, अभी मैं इसको अच्छी तरह इसका, तो ये एक कटोरी हो गया, अभी दूसरी कटोरी इसमें जा रही है। ये देखें ये दोनों कटोरी हमने डाल ली हैं इसमें अच्छे से, क्योंकि हमने इसलिए नाप लिया इसका ताकि जो है चीनी फीस के हिसाब से गलेगी। तो ये देखें चीनी मैं हमेशा कम ही रखती हूँ मीठा, ताकि जो है ज़्यादा बच्चे जो है मीठा टेस्ट। तो यहाँ पे देखें लिक्विड हमने पूरा अच्छी तरह से डाल लिया है, अब ये चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी जो है हमने ये आधी कटोरी जो है हमने चीनी ऐड की है और बाकी हमने इसको बचा लिया है। इसको यहाँ पे अच्छे से करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे पे। चलें जी इसको हमने रख दिया है चूल्हे पे और अब इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे। इसको यहाँ पे हाथ हमारा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, तो इसको हमने चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, इसको हमने चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने जो है चीनी ऐड कर दी है तो चीनी जो है पानी छोड़ेगी अपना और जो है ना चीनी की वजह से ये नीचे से लग भी सकता है। तो हमने इसको जलाना नहीं है, बस मुसलसल चलाते रहना है। और चलाने का काम यहाँ शुरू हो गया है, टाइम मैं आपको बताती रहूँगी कि कितने मिनट तक मैंने इसको पकाया है, कितने मिनट तक मैंने इसको चलाया है। चलें जी काम में लग जाएं। और अभी अमरूद का सीज़न है, अभी आप जो है अमरूद की जो है चाट बना के खाएं, अमरूद की मिठाई बना के खाएं, अमरूद का शरबत बना के पिएं, जो मर्ज़ी चाहे अमरूद का बनाएं आप खाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है ये, और बहुत ही यानी कि अगर किसी चीज़ का अगर सीज़न चल रहा है तो उससे फ़ायदा उठाएँ। और हाँ एक मैं आपको ट्रिक और बताती चलूँ कि अमरूद देखें आप जब भी खाएं, या चाहे आप कच्चा अमरूद खाएं, या आप कच्चा अमरूद को कहते हैं जो हरा होता है, और चाहे आप जो है पक्का हुआ अमरूद खाएं, जैसे कि मैंने अभी पक्के अमरूद लिए थे येलो येलो, तो उसके ऊपर आपने पानी नहीं पीना है। अमरूद खाने के बाद आप पानी बिल्कुल भी ना पिए। जैसे आप पानी पियेंगे तो अमरूद खाने से आपको जो है खांसी हो सकती है, हो सकता है उस टाइम आपको खांसी ना हो, लेकिन रात को सोते टाइम आपको ज़रूर खांसी का ठसका लगेगा। तो 20-25 तक हमें 20-25 मिनट तक हमें इसी तरह चलाना है। 20-25 मिनट के बाद फिर हम इसमें जो है जो भी कलर आप ऐड करना चाहें तो वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो जी मैं पानी का कह रही थी कि आप जो है अमरूद का पानी बिल्कुल भी ना लिया करें और ना ही बच्चों को लेने दिया करें, क्योंकि अमरूद खाने से जो है वैसे लोग कहते हैं कि खांसी हो जाती है। तो खांसी वो तभी होती है जब आप अमरूद के ऊपर पानी पीते हो। और अमरूद को आप फ्रिज में रख के कभी भी ना खाएँ, आपको आप फ्रिज अमरूद जो हमेशा आप फ्रिज से बाहर रखें, चाहे डाइनिंग टेबल पर रख दें या फिर कहीं और भी रख दें, किचन में किसी किचन के किसी भी एरिया में रख दें, पर आप जो है अमरूद फ्रिज में ना रखें। फ्रिज में रखे हुए अमरूद आप खाएंगे ठंडा ठंडे अमरूद, तो उससे भी आपको खांसी हो सकती है। तो मेरा काम तो आपका, तो आपको बताना अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए, और अगर आपने कहीं ऐसा सुना हो तो फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। चलें जी इसको अब हम चलाते रहेंगे। तो जी बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो चीनी मैंने बचाई थी वो भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ चीनी, तो वो भी हमने जो है अच्छी तरह हमने चलाते रहना है। अमरूद तो ऐसी चीज़ है कि बच्चे बड़ों सभी को पसंद होता है ये, और अमरूद कच्चे अमरूद की चाट बना के खाएं बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसके ऊपर जो है कच्चे अमरूद के ऊपर आप जो है चाट मसाला डाल के, नमक डाल के, और उसके ऊपर उसको अच्छे तरह उल्टा सीधा करके फटक के उसको फिर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार चाट लगती है। और अगर आप जो है पक्के हुए अमरूद की चाट खाना चाहते हैं तो पक्के हुए अमरूद के ऊपर आप जो है गोल गोल उसको काट लें, काट के उसके ऊपर जो है काली मिर्चें और चीनी बिल्कुल बारीक पीस के डालें, किसी भी चीनी अगर आपके पास आइसिंग शुगर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसके ऊपर डाल के फिर आप वो खाएं, उसको दोनों तरफ से पटक के फिर खाएं, सब मज़े की लगती है वो चाट भी। तो पटकने का मतलब है प्लेट को डबल करके ढक के उसको ऊपर नीचे इस तरह उसको चलाएं, तो फिर वो बहुत अच्छी यानी कि मिक्सिंग हो जाती है उसके अंदर। तो मिक्स करने का ये तरीका है, एक ट्रिक है, अगर आपने कभी करा हो तो आपको पता होगा। तो जी जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह चीनी जो भी हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। तो जी यहाँ पर आप देखें ये हमारी हलवा जो है जब हम इसमें जो है ना जैसे, तो ये देखें यहाँ पे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे जो है हम यहाँ पे हमने ये कुछ इलायची पाउडर था वो हमने यहाँ वो कर लिया था, चट्टू बट्टू में हमने इसको जो है पीस लिया था अच्छी तरह, तो ये हमने इलायची पाउडर यहाँ शामिल कर दिया है। तो अभी हमने इसको मज़ीद चलाते रहना है।
तो मुझे यहाँ पे चलाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो चलें जी, हम यहाँ पे अब हम घी इसमें ऐड करते हैं। तो ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे 1 चम्मच हमने घी ऐड कर दिया। तो घी डाल के हमने यहाँ पे अच्छी तरह चलाना है ताकि जो है ये लगे नहीं नीचे, क्योंकि इसके अंदर जो है चीनी शामिल है और ये इसका अमरूद का जो है लिक्विड है ये, तो ये लग सकता है। जब तक ये कढ़ाई छोड़ नहीं देता तब तक हमने इसको चलाते ही रहना है मज़ीद। तो ये देखें, 1 चम्मच घी बहुत है। अगर आपके पास डालडा घी है तो आप डालडा घी डाल दें, और अगर आपके पास देसी घी, असली घी जो है, जैसे कहते हैं असली घी, तो प्योर घी कहते हैं सही मायनों में, तो प्योर घी, असली घी अगर आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डालडा घी ऐड किया है। तो ये देखें जी, घी डाल के कैसी शाइनिंग से आ रही है हलवे में। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमें जो है 25 मिनट हो चुके हैं चलाते हुए। अब हमने यहाँ पे जो बादाम हमने काट के रखे हैं, ये कूट के रखे हैं सॉरी, तो इसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो बादाम डाल के भी हमने इसको अच्छी तरह चलाने हैं। अगर आपके पास और भी खुश मेवा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप काजू वगैरह पसंद करते हैं तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग जो है अखरोट वगैरह भी पसंद करते हैं तो अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अगर पसंद हो तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बादाम पसंद है तो मैं ये बादाम ही ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें, ये हल्के हल्के जो है इसने अपना जगह जो है छोड़ना शुरू कर दी है। तो इसको अभी हम चलाएँगे थोड़ी देर, और अब जिस बर्तन में हमने इसको लोटना है वो बर्तन हम ग्रीस कर लेते हैं घी से। तो जी बस, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कढ़ाई ने जो है पैन जो है ये इसने हलवे ने अपनी जगह जो है इसने छोड़ना शुरू कर दी, ये देखें। तो अब हम इसको लोटते हैं, जो पहले से हमने जो है इस बर्तन को जो हमने घी से जो है ग्रीस कर लिया था। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये हमारा जो है अमरूद का हलवा बन के हो गया तैयार। अब इसे हम लोटते हैं बर्तन में ताकि अच्छी तरह से ये, तो ये देखें चमचे में जो है हमने घी लगा के हल्का सा ग्रीस किया है। चमचे को ग्रीस करके इसको हम अच्छे से फैला लेंगे ताकि ये चमचे के ऊपर चिपके नहीं। ये देखें, इक्वल कर लेंगे इसको हम। ये अभी गरम गरम है तो ये आराम से हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी ना तो फिर ये मुश्किल करेगी। तो जी बस, ये आप देख सकते हैं, इसको जो है मैंने अच्छी तरह जो है इसको मैंने इसमें प्याले में जो है अपने, यानी कि आप सी जिस बर्तन में हम भी आप डालना चाहें तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखें, अभी से ही जमना शुरू हो गया है ये। तो अभी मैं इसको सिर्फ 10 मिनट तक बाहर रखूँगी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, तो थोड़ा जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होता है तो फिर मैं इसे अंदर रखूँगी। तो मैं आपको टाइम बताना भूल गई थी, तो टाइम मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कितने मिनट तक इसको चलाया। तकरीबन इसको पूरा चलाने में जो है ना पूरा आधा घंटा सर्व हुआ है। आधे घंटे में जाके ये हलवा तैयार हुआ है। और जैसे ही आपको लगे कि कढ़ाई जो है, यानी कि हलवे ने जो है ये छोड़ना शुरू कर दिया है इसको कढ़ाई को, तो आप वैसे ही बस उसके अंदर जो है फिर मेवा ऐड करके इसको निकाल के, बीच में जैसे मैंने मेवा डाल दिया था, बीच में मेवा डाल के फिर इसको जो है कढ़ाई ने जैसे ही छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने कढ़ाई को, तो फिर मैंने इसमें लोट दिया। तो लोटने के बाद अब देख सकते हैं आपके सामने हैं ये। तो अभी हम इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे तो 1 घंटे बाद ये ठंडा होगा। ठंडे होने के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे 1 घंटे बाद। तो जी हाँ, चलते हैं, 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे। आप देख सकते हैं मिठाई जो है हमारी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ से जो है हम इसकी जो है साइडें अलग कर लेंगे ताकि ये आराम से निकल जाए। तो चलें जी, निकालते हैं। तो जी दिवस, ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हलवा जो है निकल के तैयार हो गया। आप चाहें इसको आप हलवा कहें या मिठाई कहें, ये अमरूद की मिठाई हलवा बन के हो गया है तैयार। तो अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। कटिंग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा निकाल के खा के दिखाएंगे आपको। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम आपको हलवे की जो है कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने जो है इसको कट कर लिया है, जितना हमने इसको चाहिए बस उतना ही। ये देखें, तो ये देखें अमरूद का हलवा बन के हो गया है तैयार, मज़ेदार, तो बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही मज़ेदार। तो ये हल्का खट्टा मीठा सा हलवा होता है ये अमरूद का। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप देख सकते हैं इसमें ना ज़्यादा मेहनत हुई है और ना ही इसमें ज़्यादा जो है हमने, बस थोड़ी सी जो मेहनत है इसके अंदर, सिर्फ आधा घंटा हमें खड़ा होकर चलाना है, मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि हाथ अगर हम इसमें रोकते हैं तो चीनी से हमारा जो है लगना शुरू हो जाता है पैन के अंदर।
इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, बस इसमें सिर्फ चलाने का काम है, बाकी तो ये काम खुद कर देता है अपना। और आपने शायद कभी पहले कभी ना खाया होगा अमरूद का हलवा, तो ये आज मैंने बनाया है। मेरी रेसिपी ट्राई करें और शेयर करें और लोगों को खिलाएं, बना करके खिलाएं और तारीफें समेटें। तो जनाब, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर भी कर दिया करें, और छोटा सा एक लाइक भी कर दिया करें और एक प्यार भरा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, तो मुझे हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट्स पढ़ के। तो चलें जी, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। Thank you.